हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिजाइन अस्तर वाले ब्लाउज की और नेट वाले ब्लाउज के सूट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नेक बॉट नेक कटिंग करके रख रखा है, जिसकी लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है की बॉट नेक की। आगे और पीछे दोनों का एक समान मैंने कटिंग कर रखी है, एक बराबर कटिंग कर रखी है फ्रंट और बैक गले की, ठीक है। अब मैं पहले स्टिचिंग करूँगी। स्टिचिंग करने के लिए मैं नेट के ऊपर अपने इस कपड़े को रख लूँगी। बिना पेस्टिंग पेपर के ही हम गले को बिठाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको स्टिच कर लेते होंगे। स्टिच करने से पहले मैं इसको पिनअप कर लूँगी। पिनअप इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा कपड़े इधर उधर ना हो, कपड़ा एक जगह स्थायी रूप पर हो रहा है, तो इसलिए पहले मैं पिनअप करूँगी। पिनअप करने के बाद पिनअप सेट कर लूँगी चारों तरफ से, उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरीके से मैं पहले एक पार्ट को क्लियर कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट लेके मैं पहले एक पार्ट को क्लियर कर लूँगी बिना पेस्टिंग पेपर के फ्रेंड। और बहुत अच्छा से स्टिचिंग इसकी बैठेगी, बहुत सिलाई भी बहुत अच्छी और फिर से बहुत सुंदर दिखता भी है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इस तरीके से मेरे एक गला कंप्लीट हो गया। अब मैं पहले स्टिचिंग नहीं करूँगी, पहले मैं दूसरे पल्ले को भी मैं स्टिच करके बिठाऊँगी। फ्रंट पार्ट लेके और दोनों पल्लों को लेके पहले मैं इसको भी बिठाऊँगी और बिठा के फिर इसकी भी स्टिचिंग करके और कटिंग करके और फिर इन पल्लों को भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी पिन से। इस तरीके से कट कर लूँगी और अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों गलों को मैं अच्छे से मोड़ों को जोड़ूंगी। तो ये तरीका ज़रूर आजमाइएगा मोड़े जोड़ने का। इससे क्या होती है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और फिर से बहुत अच्छा बैठता भी है। तो दोनों मोड़ों को पहले मैं अस्तरों को जॉइंट करूँगी और फिर नेट वाले कपड़ों को अंदर जॉइंट करके फोल्ड कर दूँगी। सेम काम हमें दूसरे वाले मोड़े पर भी ऐसे ही करना है। कपड़े के ले लूँगी और सीधे सिलाई वाला हिस्सा ऊपर रख के और ऐसे करके और फिर हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे दोनों मुठों को। इस तरीके से दोनों मुठों को ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम पलट देंगे, अस्तर हमारा अंदर चला जाएगा और नेट का कपड़ा हमारा ऊपर आ जाएगा। अब हम आगे पीछे दोनों के गले की ऊपर से सिलाई कर देंगे, पतली सिलाई करेंगे ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए और बहुत ही सुंदर दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर गला हमारा आगे पीछे का दोनों गला हमारा बराबर बैठ चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स, हम अपने अस्तर को बिठाएंगे। पहले अस्तर को हमें नहीं बिठाना, पहले हमें गले की फिनिशिंग अच्छे से कर लेनी है, उसके बाद हमें अस्तर को अच्छे से क्लियर करना है। तो ऐसे ही है, आप अस्तर अपने हाथ के सपोर्ट से और स्पेस दे देंगे और पहले हम कच्चा सिलाई चारों तरफ दे देंगे। आगे और पीछे दोनों सूट के पल्लों में दोनों पल्लों को अच्छे से बिठा लेंगे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। दामन हमारा थोड़ा सा नीचे का वो है तो उसको पहले स्टिच कर लेंगे अस्तर वाले को।
क्योंकि उसको इसलिए दबेंगे ताकि हमारे चौक में दब जाए, तो इसलिए पहले इसकी स्टिचिंग कर लेंगे आगे और पीछे दोनों पल्लों को, दामन को सिल लेंगे। तो इस तरीके से मैं दोनों पल्लों को अपने स्टिच कर लूँगी दामन को। उसके बाद में अस्तर और वो नेट के कपड़े को दोनों को अच्छे से बिठा लूँगी आगे पीछे दोनों पल्लों को अच्छे से कच्चा करके कच्ची सिलाई दे दूँगी, और उसके बाद हम अपने सूट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो फुल देखिएगा तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगर वीडियो आप पे ही छोड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो फुल देखिएगा, ठीक है। अब जितना भी फ्रेंड्स मैं पहले कपड़ा स्टिच कर लूँगा, कपड़ा स्टिच करने के बाद जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर हो रहा होगा वो हम पहले कट करके निकाल देंगे ताकि फिनिशिंग हमारी अच्छी आए, क्योंकि नेट थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा काट रखा था तो उसको मैं कट करके निकाल लूँगी। इस तरीके से मेरा पूरा क्लियर हो चुका है, और अब जितना भी कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा होगा इधर उधर वो मैं कटिंग करके अच्छे से निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद में मुंडों की स्टिचिंग करूँगी। फ्रेंड्स मैं मुंडो आर्मोल में बाजू मुझे नहीं लगाना है, कट स्लिप करना है, तो इसलिए मैं इसमें तिरछी पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि मैं तिरछी पट्टी कैसे ज्वाइंटिंग कर रही हूँ। जितना भी कपड़ा होगा वो हम कट करके अच्छे से अपना क्लियर करके निकाल लेंगे। और फ्रेंड तिरछी पट्टी की बात है तो पहले हम पट्टी काट लेंगे, तिरछी पट्टी कटिंग करके रख दी, और कटिंग करने के बाद इसको मैं तिरछी पट्टियों को अच्छे से ज्वाइंट कर लूँगी, क्योंकि मुझे बाजू पे लगाना है अपने आर्म होल पे। तो इस तरीके से मुंडों को पहले जोड़ लूँगी। तो इस तरीके से हम दोनों पल्लों को अपना, दोनों बाजुओं को हम अपना क्लियर कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे करके मेरा कट स्लिप तैयार हो चुका है। ऐसे करके मैं दोनों बाजू को अपने कट स्लिप तैयार कर लूँगी, और उसके बाद साइड की सिलाई में कंप्लीट करूँगी। तो अब हम फिटिंग लाइन करेंगे। फिटिंग लाइन करने के लिए मैंने पहले से ही चौक अपना ड्रॉ कर रखा था लाइन, जितना मुझे भी फिटिंग लाइन चाहिए। तो इस तरीके से पहले एक सिलाई चला दूँगी, जहाँ जहाँ मेरा ड्रॉ हुआ है वहाँ वहाँ पहले एक सिलाई चला दूँगी, और फिर उसके बाद एक और सिलाई चला दूँगी आधे इंच की दूरी पे। उसके बाद आगे फ्रेंड्स चौक की बारी। चौक के लिए हम इतना ऐसे करेंगे, और हम इसे चौक को भी बना लेंगे। तो ऐसे करके हमारा दोनों चौक तैयार हो जाएगा अच्छे से।
इस तरीके से मैंने चौक बना लिया अपना दोनों, और मेरा सूट सिल के परफेक्ट तैयार हो गया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, जो भी पूछना होगा आप ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा होगा, उम्मीद होगा कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ।